सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके विंडोज पीसी से जो भी आपके फ़ोटोज़ रहते हैं दोस्तों, आपके एंड्रॉयड डिवाइस में गूगल फोटोज़ में कैसे ऑटोमेटिक सिंक करते हैं, यानी कि उसको कैसे ट्रांसफ़र करते हैं आपके विंडोज़ पीसी के जो फोटोज़ रहते हैं आपके एंड्रॉयड डिवाइस में, जो गूगल फोटो वाला एप्लीकेशन रहता है दोस्तों उसके अंदर। तो इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपके विंडोज़ पीसी में आपको एक सिंपल से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जस्ट गूगल में आपको सर्च करना है गूगल बैकअप एंड सिंक डाउनलोड। इस तरीके से सर्च करने के बाद दोस्तों उसकी जो फर्स्ट लिंक रहती है उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड बैकअप एंड सिंक, इस पर क्लिक कीजिए और जस्ट एग्री एंड डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपका जो सॉफ्टवेयर है अभी डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे सेव पे क्लिक कीजिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड हो रहा है। थोड़ी देर वेट कीजिए दोस्तों, जैसे वो डाउनलोड प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों जस्ट उस पर डबल क्लिक करके अभी हम इसको इंस्टॉल करना है। हम इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हूँ दोस्तों। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सिस्टम ट्रे में इसका लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। तो जस्ट उसको ओपन कीजिए दोस्तों। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्री डॉट्स, उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको ओपन करना है प्रीफ्रेंसेस इस तरीके से। जैसे आप इसको ओपन करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो उसके बाद जो है दोस्तों आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में आइए। एंड्रॉयड स्मार्टफोन में आने के बाद जो आपकी गूगल आईडी जो आपके गूगल फोटोज़ में लॉगिन है दोस्तों, वही गूगल आईडी आपको यहाँ पे भी लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं चूज़ ए फोल्डर, उस पर क्लिक कीजिए और जो भी आपका फ़ोटोज़ वाला फोल्डर है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जहाँ से भी आपका जो फाइल लोकेशन है वहाँ से इसको सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैं ऑलरेडी सेलेक्ट किया हूँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल, और चाहे तो आप दूसरे फोल्डर भी कर सकते हैं। करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अपलोड न्यूली एडेड फोटोज़ एंड वीडियोस टू गूगल फोटोज़, ये वाला ऑप्शन आपको कंपलसरी चेक करना है। और उसके बाद यहाँ पे और भी सेटिंग्स है, इसकी क्वालिटी वगैरह है, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जस्ट ओके पे क्लिक कीजिए। ये जो प्रोसेस है दोस्तों अभी स्टार्ट हो गया है, ये जो प्रोसेस है बैकग्राउंड में रन कर रहा है, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो अगर आप इसको चेक करना चाह रहे हैं तो फिर से आपको आपके सिस्टम ट्रे में से उसको ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ जो भी प्रोसेस चल रहा है दोस्तों यहाँ पे वो शो करेगा आपको दोस्तों, जो भी प्रोसेस चल रहा है दोस्तों वो जो प्रोसेस है यहाँ पे आपको शो करेगा। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों आपके जो एंड्रॉयड डिवाइस में गूगल फोटोज़ जो है उसको ओपन कीजिए। इस तरीके से ओपन करने के बाद अभी मैं आपको बताऊँगा, मैंने जो मोबाइल वाला जो फोल्डर सिंक किया था दोस्तों, वो जो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो सारे इमेजेस यहाँ पे मेरे एंड्रॉयड डिवाइस में शो कर रहे हैं। ये देखिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी आपके विंडोज़ पीसी से आपके जो भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ रहते हैं आप अपने गूगल फोटोज़ में उसको इस तरीके से ईजिली सिंक कर सकते हैं। तो काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी बढ़िया फीचर है दोस्तों। तो बस दोस्तों ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में बताने के लिए, सिंपल सॉरी इजी सा वीडियो है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ गया हो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के रिलेटेड जो भी डॉट्स है दोस्तों आप अपने डॉट्स को कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।